संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने बचन सुनाया कि एक बारी सरदार मन्ना सिंह जी जथेदार अमृतसर साहब तो वो अमृत संचार दे विच ड्यूटी होंदी सी, उन्हां दी थां थां अमृत संचार करिया करदे सी। आनंदपुर साहब आए, आनंदपुर साहब अमृत संचार की करना सी जथेदार साहब ने, तो त्यार पर त्यार चार सिंह होर उन्हां दे नाल, ते पंजवें जथेदार जी आप सन। पाणा इह जिहा वरत्या भी जदों अमृत छकण वाले आ गए ते जदों सारी तैयारी हो गई ते उस वेले एक सिंह अचानक ही उहदी सेहत खराब हो गई। तां बहुत वड्डी बात सी, इह एक बिघन पैण वाली बात सी, अर की कीता जाए, अमृत छकण वाले तैयार खड़े ने। ते जथेदार मन्ना सिंह जी ने कहा कोई इत्थे तैयार प्रत्यार सिंह है जिहड़ा अमृत च लग सके? वह कहण लगे भी सिंह तां है पर यह नहीं पता भी लगणगे जां नहीं लगणगे। आखे कौन? कहिंदे सोढ़ी खानदान दे विचों, गुरु की कुल दे विचों, आनंदपुर साहब दे सोढ़ियां दे विचों अज संत संपूर्ण सिंह जी ने इत्थे बड़े तैयार प्रत्यार। ते जथेदार जी आप चल के गए, कहण लगे भाई साहब जी, बाबा जी बेनती है, एक तो वैसे भी तुसी गुरु की कुल दे विचों, तुहाडा सत्कार है भी साढ़े कोल इक सिंह ढिला हो गया कि तुसी पंजा प्यारियां दी सेवा। कहिंदे जी लो मैं हुणे आया। उन्होंने किसी इशनान किया, वस्त्र बदले ते वह तो थोड़ी मिनटां दे तैयार होके आ गए। अमृत संचार होया, बाद जदों पंजे प्यारियां दी वर्दी ला दित्ती ते कहण लगे बाबा जी चंगे भले तैयार पर तैयार सिंह भी ढिल कर जांदे आ अमृत संचार च लगन वास्ते, तुसी बड़े चाह दे नाल तैयार हो गए। ते उस वेले संत संपूर्ण सिंह जी ने एक वचन सुनाया, कहिंदे जी गल यह है, मैनू नहीं पता भी ये वचन लिखत विच क्यों नहीं आया, पर साडे खानदान दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब तो एक वचन चलिया आ रहा। ते जहदार जी कहण लगे बड़ी बड़मुली बात है भी कोई ऐसा वचन जिहड़ा लिखत दे विच नहीं आया। कहण लगे सारा इतिहास कौन लिख लेगा गुरु पीरां दा? कहिंदे जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आप पंजां तो अमृत मंगया सी ना, सो गुर पूर्ण अमृत मांगत खालसे अगर खरे ओ कर जोरी, उस वेले भाई दया सिंह जी बैराग विच आ गए सी, कलंगी वाले सतगुरु ये की करदे हो, नीचन जनतन के हम बारक तो किरपा कर तोहे निवाजे, जेडे तू निवाजे उन्हां दे के हाथ क्यों जोड़ना। ते भाई दया सिंह जी ने हाथ जोड़ के कहा दाता इंज ना करो, असी तुहाडे निवाजे हो, सानू तो लोग छोटियां जातां वाले लोग कहिंदे सी, तुसी हाथ क्यों जोड़े ने दाता? ते गुरु साहब कहण लगे जिहड़ा अमृत जिस तरीके नाल तुहानू मिलिया मैनू दे, कहण लगे दाता ये साढ़े कोलों ऐसा हो नहीं सकना, वो काम ना कराओ जिहड़ा असी कर नहीं सकते। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे मेरे अकाल पुरख का हुक्म है और मेरा भी हुक्म है कि तुहानू मनना पएगा। जदों हुक्म हो गया भाई साहब जी कहिंदे सत वचन, हुण दूसरी गल नहीं, पर दाता एक बेनती है, अमृत असी दे दें तुहानू जिमें तुसी कहने हो कि जिमें असी छकिया उ मर्यादा पूरी कर दें, मूल मंत्र गुरमंत्र रहत असी तड़ा दें, पर तुहानू एक वचन देना पएगा। भाई दया सिंह जी नूं गुरु साहब जी कहण लगे भाई दया सिंह तेनू निश्चय होना चाहिए कि सूरबीर वचन दे बली होंदे, मैं वचन देना अर निभाऊंगा, अमृत दियो इहदे बदले जो वचन लैना मैनू दसो की वचन लैना चाहिए। कहिंदे दाता सिर्फ इन्ना के वचन है कि अज तो बाद जिवें अज अमृत संचार दे विच तुसी साढ़े पंजां दे विच खड़े हो, अज तो बाद किते भी तुहाडी वर्दी पा के जदों तुहानू अरदास करन के दाता असी तां नाम त्री सिखां कलंगी वाले सतगुरु अमृत संचार दे विच हाजिर हो जा, दाता जी वचन दियो कि अमृत दा बाटा तां तैयार होएगा जे तुसी आप हाजिर होवोगे। कलंगी वाला सतगुरु बोलिया भाई दया सिंह मेरा वचन रहा, अज तो बाद गरीब नवाज कहिंदे हजारां थां ते इको टाइम अमृत संचार हुंदा होवे,
मैं हजारा रूप धारण करके उन्हां पंजे प्यारियां दे विच खुद प्रवेश हो के ये बचन किया। मैं उन्हां दे शरीर विच प्रवेश हो के मैं अपनी शक्ति दे के अमर संचार आप तैयार करांगा, पर मैनू एक बारी अमर दा चूला दे दे। संत संपूर्ण सिंह कहन लगे, कहंदे जथेदार जी, जे मैं लखां जन्म इस दुनिया दे विच लै लैंदा तां भी मेरे शरीर दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी प्रवेश नहीं सी कर सकदे, पर जदों मैं पंजां प्यारां च लगदा तां उस वेले मैं महसूस करदा कि मैनू भावें मेरा दाता दिसदा नहीं, अज मैं पंजां प्यारां च लग्गिया तो मेरा गुरु गोबिंद सिंह साहिब मेरे शरीर दे विच प्रवेश होकर अमर तैयार कर रहा है, तो मैनू तां होर जप तप करन दी लोड़ नहीं। इस करके भाई जदों अमृत छकना दृष्टि ये नहीं रखें भी आ फलाना सिंह आ फलाना सिंह है, नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ही पंज सिंघां दा रूप धारण करके बैठा है। सिंह सो रहत पंच जय मिले मम स्वरूप तै जानो पलो, वह भी बचन है। ये बचन साध सिंह जी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी भिंडरां वालिया ने अपनी रसना तो कथा दे विच उचारण किया।